हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? ऐसा करते हैं, आप लोग भी अच्छे से होंगे। आइए, आपको हम आज सिखा रहे हैं सुई कैसे मशीन में डालते हैं। बहुत से लोग का कंप्लेन आता है कि सुई लगाए हैं तब से सूता टूट रहा है, तो आइए आपको आज सिखाएंगे सुई कैसे हम लगाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ध्यान से देखिएगा तब समझ में पाइएगा, और खाली देख के चले जाइएगा तो कैसे समझिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, इसको चुटकी बोला जाता है, जो हमारा नीडिल को बांध के रखता है। अगर सुई आपका टूट गया है तो इसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए ये चुटकी यहाँ रहता है, पेचकस लगा के इसको लूज कीजिएगा, फिर नीचे की तरफ सुई निकालिएगा। और देखिए, सुई में दो भाग होता है, एक है चपटा, दूसरा है राउंड। तो आपको जब भी सुई लगाइए, ये जो चपटा है और इधर में भी चपटा है और इधर में राउंड है और इधर में भी राउंड है, तो आपको सुई कैसे लगाना है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इस चपटा वाला सामने में डाल के ऐसे पहना देते हैं, तब हमारा सुई का धागा टूटने लगता है और सुई भी तोड़ने लगता है। तो आइए आपको आज हम बता रहे हैं कि सुई परफेक्ट कैसे लगता है। देखिए, सुई का ये जो चपटा भाग है, इसको दाहिने साइड में रखिएगा, और ये हमारा जो है नीडल का होल, इसके अंदर ऐसे डाल दीजिएगा, डाल के पूरा ऊपर तक चढ़ाइएगा। देखिए, यहाँ पर एक स्क्रू लगा हुआ रहता है, वहाँ पर जा कर के सुई हमारा बैठ जाएगा। उसके बाद इसको भी निकालना नहीं है, अब इसको धीरे धीरे टाइट कर देंगे। हाथ से कभी भी टाइट नहीं होता है, जब भी आपको सुई अगर फुल टाइट करना है तो आप पेचकस का सहारा ले सकते हैं। इसको हम टाइट कर दिए, अब हमारा सुई पूरा ओके लग गया है। इसको हम चला करके देखेंगे, नीचे भी देख लेंगे कि नीचे सही आ रहा है कि नहीं। अगर सही नीचे सुई लग गया है और ऊपर भी है, तो आपका सिलाई हमेशा सही आएगा और सुई भी नहीं टूटेगा। तो हेलो, देखिए ये चुटकी है और ये हमारा नीडल है। इसको जब तक हम फुल टाइट नहीं मारेंगे, हमारा सुई अगर लूज रहेगा तो बारम्बार भी सुई टूट जाएगा। इसलिए जब भी आप सुई लगाए, इसको पूरा टाइट करके रखिएगा। अब हमारा सुई पूरा ओके लग गया है, अब चला के हम देख सकते हैं। थैंक यू। हमारा वीडियो कैसे लगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी वीडियो बनाने में मन लगे। जितना हमारा सब्सक्राइब बढ़ेगा, उतना हम वीडियो नए नए बनाकर छोड़ेंगे।